नानक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलो मैं साका साधन हेत इति जन करी सीस दिया परसी ना उचरी। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल प्रकाश उत्सव मौके उस महान शख्सियत बारे अपने कुछ विचार लैके पेश हाँ जिन्होंने हिंद की चादर धर्म की चादर के रूप में याद किया जाता है। गुरु साहिब का जन्म 12 अप्रैल 1621 ईस्वी वाले दिन श्री अमृतसर साहिब की पावन पवित्र धरती से होया। गुरु जी की माता बीबी नानकी अते पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सन। गुरु जी बचपन तो बड़े ही वैरागी उदार चित दानी निडर सुभा के मालक सन। गुरु साहिब जी की सुपत्नी बीबी नानकी जी सन जिन्होंने सरबंस दानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को जन्म दिता। गुरु जी ने गुरगद्दी 6 अप्रैल 1664 ईस्वी वाले दिन प्राप्त हुई। गुरु साहिब 10 साल 7 महीने 9 दिन गुरगद्दी से सुशोभित रहे। गुरु साहिब की कुरबानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी दर्ज है। गुरु जी के समय औरंगजेब की हकूमत सी, जुलम की इम्तिहा हो रही सी, जतिया के जत सतिया के सत भंग हो रहे सन, हिंदुओं के जनेऊ ला के जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा सी। कश्मीरी पंडित जो शरण विच आए उन्होंने तिलक चंजू की राखी कर दिया। आप जी की वडमुली शहादत पूरे संसार विच बेमिसाल है। आप जी की इस नौवें स्वरूप की तस्वीर विच सर्वहित रखवाला सर्व कल्याणकारी होने नाल निमाणिया नितानिया न्यासरिया ते मान खान ते आसरा बन के न्यारे रंग भर दिते हन। गुरु जी कहिंदे हन जो इंसान दुख च नहीं डुबदा अते बहुता खुश भी नहीं हुंदा ओ इंसान इस दुनिया दे मोह माया तो मुक्त हुंदा है अते उस लई सोना ते मिट्टी एक बराबर है अते जो इंसान चापलूसी अते निंदा दा त्याग कर दिंदा है ओही वापस विच सच्चा सिख है। गुरु जी कहिंदे हन हे संत अपने अहंकार दा त्याग कर वासना क्रोध बुरी संगत तो दूर भज किसी का दर्द खुशी इको पलड़े विच तोल ता ही इस दुनिया विच सच्ची मुक्ति का राह मिलेगा। गुरु जी ने कहा है रब साढ़े अंदर बाहर है उसना जुड़न लई इधर उधर भटकन की लोड़ नहीं है उसनू लभन लई स्वै पड़चोल करन की लोड़ है। ओ ब्रह्मन का प्रतीक ओम हर जगह वसदा है मेरे अंदर मेरे बाहर है फिर उसनू जंगलों विच लभन क्यों जाना। आओ सारे रल के गुरु चरणा सीस चुका के उन्हां दियां वडमुलियां सिख्यावां नूं अपने जीवन विच अमली जामा पहनावांगे। यही उस गुरु जी दे अदुत्ती शहादत ते सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।